गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लखीसराय जिले के एक दिन के दौरे पर गुरुवार को पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा की तैयारियां की जा रही है। गृह मंत्री लखीसराय पहुंचेंगे और वहां के अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सूर्यगढ़ा गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां बीजेपी की विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू से इस सीट को छीनने की रणनीति तैयार कर ली है और अमित शाह का ये दौरा इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार सकती है। दरअसल अब तक यहां से बीजेपी के सहयोगी दल लड़ते आए हैं। बता दें कि बीजेपी ने पिछले साल देश भर में लोकसभा सीटों की लिस्ट तैयार की थी, जिस पर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। यह आगामी चुनाव में कड़ी टक्कर मिलने के आसार है। बिहार में ऐसी 12 सीटें हैं जिसमें मुंगेर भी शामिल है। ऐसी ही लोकसभा सीटों पर पार्टी रणनीति तैयार की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल बीजेपी किसी भी हालत में मुंगेर सीट पर अपनी जीत चाहती है। इसके लिए मंडल से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो वर्ष 2000 में मुंगेर सीट आरजेडी के कब्जे में थी। इस पर ललन सिंह ने 2009 में जीत दर्ज की थी। 2014 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार लोजपा की मीना देवी को हरा दिया। एनडीए में रहते हुए 2019 में वापस फिर जीते, लेकिन जदयू महागठबंधन में है और अब बीजेपी गठबंधन के किसी अन्य सहयोग देकर यहां से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने के मूड में है। ऐसे में अमित शाह का लखीसराय का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।